जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो यार आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस, कैसे सोशल मीडिया को आप अपने लिए या अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो इफेक्टिवली और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो इसके लिए मेरे वीडियो से जुड़े रहिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और बेल के आइकन पे क्लिक भी कर लो ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि यार सोशल मीडिया का आजकल दौर दौर है, हर कोई हर बिजनेस यही चाहता है कि यार वो अपना बिजनेस जो है ना वो सोशल मीडिया में प्रमोट करे। सोशल मीडिया में आपके पास यार फेसबुक आ जाता है, इंस्टाग्राम आ जाता है, ट्विटर आ जाता है, पिंटरेस्ट आ जाता है, स्नैपचैट आ जाती है, यूट्यूब आ जाता है, ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। तो अगर आप इन पे इफेक्टिवली अपने आप को प्रमोट कर पाओगे ना, तो यार आप अपने बिजनेस को बहुत जल्दी ग्रो कर पाओगे। तो इसी के लिए मैं आपके लिए 5 टिप्स लेके आया हूँ। तो चलते हैं टिप नंबर 1 की जाने। तो दोस्तों, नंबर 1 पे जो आती है ना वो आपकी ऑडियंस आती है। आप क्या यार अपनी ऑडियंस का जानना बहुत जरूरी है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, उनके डेमोग्राफिक्स क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, तभी आप बहुत अच्छा कंटेंट जो है जो आपके ऑडियंस को अट्रैक्ट करे और आपकी ऑडियंस जो है वो आपके साथ कनेक्ट हो और फिर वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज में इंटरेस्ट तभी ले सकते हैं, राइट। तो ये आपकी बेसिक है, बेसिक फाउंडेशन है आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की। तो आपने इसके ऊपर सबसे पहले ध्यान देना है, राइट। तो दोस्तों, यहाँ आपने ना आपने अपना जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चूज करना है। आप सब प्लेटफॉर्म पे आप नहीं जा सकते, आपको देखना है कि यार आपकी ऑडियंस जो है वो कौन से प्लेटफॉर्म पे है, या आप जो बिजनेस या सर्विस प्रमोट कर रहे हो ना उसकी ऑडियंस आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। लेट से कि जो लिंक्डइन है ना वो B2B बिजनेस के लिए अच्छा है, राइट। तो अब आपने देखना पड़ेगा कि आप क्या ऑफर कर रहे हो, राइट। इसी तरह अगर आप कोई फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो और आपकी मार्केट USA है या कनाडा है या यूरोप है, तो आपको पिंटरेस्ट जो है वो सूट करता है अगर आप फीमेल से रिलेटेड प्रोडक्ट जो है या सर्विसेज सेल करना चाह रहे हैं। तो इस तरह आपको ना अपना एक जो है प्लेटफॉर्म जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप अपनी एफर्ट्स जो है ना वो जाया करोगे। तो दोस्तों, उसके बाद आपका जो है आपने कंटेंट क्रिएट करना है। नंबर 3 पे आपने एक इंगेजिंग कंटेंट क्रिएट करना है जो आपकी ऑडियंस देखना चाहती है, जो आपकी ऑडियंस पसंद करती है, उस तरह का आपने कंटेंट क्रिएट करना है। क्योंकि देखो यार, इंटरनेट पे डेली की बेसिस पे आप देखो बिलियंस ऑफ पोस्ट जो है ना वो लोग करते हैं सोशल मीडिया पे, कि मैं कैसे इंगेजिंग कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ ताकि जो है वो ऑडियंस मेरे साथ कनेक्ट हो, उसमें आप अच्छे से इमेजेस क्रिएट करके वो पब्लिश कर सकते हो अच्छी कैप्शंस के साथ। उसके अलावा आप वीडियोस कर सकते हो, कैजुअल पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप कोई पोल सबमिट कर सकते हो, आप कोई इस तरह के क्वेश्चन आंसरिंग चीज़ें पोस्ट कर सकते हो, ताकि आप जो है ना अपने ऑडियंस के साथ अपने ऑडियंस का इंटरेस्ट डेवलप करो और ऑडियंस जो है आपके साथ कनेक्ट हो, ताकि आपके आपकी जो है ना कम्युनिटी बिल्ड हो, राइट। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की जाने। तो दोस्तों, इसमें यह है ना कि आपने सबसे आपने अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी है, ठीक है। रिस्पॉन्ड करना है अपने ऑडियंस को। ये नहीं है कि आपने आपने जस्ट कंटेंट पोस्ट करने जाना है, पोस्ट करते जाना है, और अगर आपसे कोई क्वेश्चन करती है आपकी ऑडियंस कोई भी, तो आप उसको जवाब ही ना दो, तो इस तरह कभी भी आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे अपनी ऑडियंस के साथ और आपकी ऑडियंस ग्रो नहीं कर पाएगी, राइट। तो इसमें आपने करना है कि जब भी आप कंटेंट पोस्ट करोगे तो आपको लोग क्वेश्चन करेंगे, लाइक करेंगे, आपसे कोई क्वेश्चन का रिप्लाई मांगेंगे, तो आपने करना ही है यार कि उनको रिप्लाई करना है अच्छे तरीके से, पॉजिटिव वे में, ताकि वो आपके साथ और ज़्यादा जो है ना वो कनेक्ट हों और इंटरेस्ट। इसे कहते हैं कम्युनिटी मैनेजमेंट। तो इससे क्या हो सकता होता है कि यार आप जो अपनी कम्युनिटी बिल्ड करते हो, अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ आप बातचीत करते हो, इस तरह आपकी कम्युनिटी बिल्ड होती है। जब आपकी कम्युनिटी बिल्ड होगी ना, तो यार आप जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज अपनी अपने ऑडियंस तक देना चाहते हो ना, तो बहुत इजीली जो है ना वो आप पहुंचा सकते हो, और वो वाकई में आपकी उस प्रोडक्ट और सर्विस में इंटरेस्ट भी लेंगे। तो दोस्तों, अब चलते हैं टिप नंबर 5 की जाने, जो कि आपकी बेसिकली आपने ना अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है। आपने जो टिप नंबर 1, 2, 3, 4 तक जो भी स्टेप्स फॉलो किए हैं ना, तो आपने टिप नंबर 5 यही है कि आपने उन सब स्टेप्स को ना
मॉनिटर करना है, उसकी एनालिटिक्स करनी है कि वाकई आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। अगर आप राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहे तो आप दोबारा से रिविजिट करो अपने सारे स्टेप्स को कि क्या आप अपनी टारगेट ऑडियंस तो आपने गलत चूज नहीं की हुई है, या आप कंटेंट अच्छा नहीं क्रिएट कर रहे हो, या फिर आप अपनी ऑडियंस के साथ सही कनेक्ट नहीं कर रहे हो, ताकि जिसकी वजह से आप अपने आप को ना अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पा रहे हो, अपनी ऑडियंस बिल्ड नहीं कर पा रहे हो। तो इन सब चीज़ों को आपने मॉनिटर करना है, और अगर आपको कहीं कमी नज़र आती है तो आपको आपने उसको फिक्स करना है, और दोबारा से आपने ये पूरा एक प्रोसेस है जो मतलब एक लूप में चलता रहता है, और आपने इन चीज़ों को फॉलो करते रहना है, तो डेफिनेटली आप जो है ना कुछ हिस्से में आप बहुत इम्प्रूवमेंट अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस में देखोगे और अपने बिजनेस में देखोगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।